डांस करेगा, लड्डू डांस करके दिखाना। ओ बेटे, और बदमाश वाला, बदमाश छोरा, बदमाश छोरा, गई गाना तो गा। लड्डू बहुत डांस करा, पतली कमरिया वाला डांस करिए क्या। चिप्स खा रहा है ये, देखो गाइस चिप खा रहा है ये। गाइस वेलकम बैक, नवीन डेढ़ा ब्लॉग। जय माता दी, राधे राधे, जय मोहन राम की, सभी को राम राम। आज मेरी छुट्टी, आज पापा की शाम की ड्यूटी होगी, आज पापा की अभी की ड्यूटी ना सुबह की। तो पापा बैठे, आज आपको पापा तो मिलवा, हमारे पापा ही बैठे। चलो ना गाड़ी, जब गाड़ी में वो ना करें, ऐसी जो रोड पे ना करें, बनावे बिलाओ। हाँ मम्मी बताओ सारी बात। ये पापा, मम्मी चाय पी रही है, पापा गाइडलाइन आ जावे। हाँ ए भैया मारो, तो फिर होते देखो आप तो कुछ कहो, अच्छी अच्छी बात है। राम 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 बेटा, आज ड्यूटी बदल गई हमारी, तो बाईपास जा रही है। आज पापा की शाम की ड्यूटी है, तो हम मजे मारे हो। हाँ डबल डबल ड्यूटी होगी। अरे हमारे लड्डू जी लौट रहे हैं, ये उंगली अंगूठा पी रहे हैं, अंगूठा दूध निकल रहा है। हाँ इसके अंगूठा में दूध निकल रहा जी। हाँ अंगूठा नहीं पीता रहे, वह दूध पीता रहे। तो भाई आज पापा की शाम की ड्यूटी है, आज मैं अभी फ्री हूँ, चाय बनाई है, मैं पूजा वूजा कर लूँ, अब शाम को शुरू खाने आने की तैयारी। तो शाम को हो गई, पर बखत जाएंगे पापा 4 बजे। तो गाइस मिलते हैं बाद में। रोटी की होगी है तैयारी मेरी, मैंने अपने रूम की भी साफ सफाई कर दी, झाड़ू वाड़ू लगा दिए, बर्तन वर्तन धो दिए, अब ये सब साफ कर दिया मैंने, हॉल भी चमका दिया एकदम। तो अब टाइम पता नहीं क्या हो रहा, 10 बज रहेंगे, तो पापा जल्दी खाने लगते हैं, क्योंकि आज पापा की छुट्टी है, शाम की ड्यूटी है, दिन की छुट्टी है। तो मैंने बनाई है चटनी सिलबट्टे पे, सिलबट्टे पे चटनी बनाई मैं, लहसुन प्याज की और हरी मिर्च की, और ये देखो घी, लोनी घी, और ये छाए। तो आज हमारे बनेगी छाए रोटी चटनी। तो गाइस छाए रोटी चटनी खाओगे ना, तो दो रोटी खाओगे ना, तो आप 4 खा लोगे चटनी, तो इतनी टेस्टी लगती है छाए रोटी चटनी। तो गाइस चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। सोच रही थी कि बाहर चूल्हे पर रोटी बना लूँगी, चटनी के साथ चूल्हे पर रोटी अच्छी लगेगी, पर क्या करें बारिश ही होने लगी आज, तो अब कैसे बनाऊँ चूल्हे पर, तो गैस पर बनानी पड़ेगी। तो मैं गैस पर बनाऊँगी, क्योंकि चूल्हे पर बारिश बाहर पड़ रही है, तो बाहर ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो सारा अंदर बंद है, तो बाहर ही बनाती, बाहर बारिश पड़ रही है आज, हल्की हल्की बूंद आ रही है, बारिश तो तेज़ ना पड़ रही। पापा भी पसंद कहाँ गए, पापा भी आने वाले, फिर मैं रोटी बनाती हूँ, इसमें लूँगी थोड़ी देर में आपसे बाय। बज रहे 3:30, हमें हर वक्त कौम ही कौम में रखे हैं, वो मैं बना रही छोले चावल रोटी, और पापा के लिए अलग स्पेशल सब्जी बनाएगी आलू टमाटर की ना, काय की सब्जी बनाएगी पापा की मम्मी। पापा जाएंगे अब ड्यूटी, शाम की ड्यूटी होगी ना पापा की, छोले बनाएंगे, छोले तो बना रही हूँ, पापा की और सब्जी क्या बनाएगी, आलू टमाटर, आलू टमाटर चटनी। अच्छा तो देखो गाइस पूरे दिन मोए कॉम में ही लगाए रखे हैं, चटनी बनाएगी और क्या बनेगी, आलू टमाटर की सब्जी और छोले चावल, छोले चावल और जो भी बनेगा। 3:30 बज रहे, 3:30 बज रहे, और कॉम ही कॉम, 3:30 बज रहे, हाँ ड्यूटी छोड़ कर आएंगे, पापा की ड्यूटी होगी भाई शाम की, और लड्डू जा रहा मम्मी की गैस सब्जी लेना, जो और बनेगी। पापा छोले नहीं खाते, छोले खाएंगे मैं मम्मी काले जी, और पापा के लिए बनेगी अलग स्पेशल सब्जी टूटी जाने की। तो गाइस इतना काम हुआ है, काम तो निमटी, तो ये आगे दुकान से काले जी, काम से निमटी दिन के काम से 1 बजे, तो ये आगे चाय पी बनाई इनको, रोटी बनाई इनको, अभी आराम फरमा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जा रहे हैं तो पापा देख, टीवी देख रहे हैं, अभी कौन जा रहे हैं, पापा खाना बनाएगा, बना रही हूँ अभी, पापा का टिफिन पैक हाँ। अभी 2 बजे 2:30 बजे आए हो, इनके इनके चक्कर में ना मैं अपने गाँव भी ना जा पा रही। गाइस इनते कहियो इनकी दीदी को अपने घर भेजो, तो मुझे अपने घर जाने का मन कर रहा हूँ, अपनी वहाँ वाली मम्मी से मिलने का बहुत मन कर रहा मेरा।
कल तो लड्डू भी कर रहा काले जी, मोमो के पास जाओ, मोमो के पास जाओ, फिर कह रहे चली जाए 6 महीने, चली जाओ भैया जहाँ तक था, तब तक तुम्हारा मन लगे। अच्छे जब तक तुम्हारा मन लगे फिर कैसे होएगी, मम्मी काम न हो तो 2-4 दिन को चली जाए। 2-4 दिन में क्या हो है भाई, 2-4 दिन में कुछ हो है, ना हो तो ना कुछ भी, 2-4 दिन में ना हो तो जी कुछ भी, कम से कम 15-20-21 दिन कुछ भी। हाँ तो चलो गाइस मैं पापा का टिफिन कर देती हूँ तैयार, खाना वाना बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। है मैं तो दुकान पर जा रहा हूँ। क्यों ना जाओ दुकान पर, दुकान पर ना जाओ। ये सब्जी ले आई, ये ले आई मैं, टमाटर, ये प्याज, हरा धनिया और ये चिप्स लड्डू मेरे को लाई ना, लड्डू कौन मैं क्यों ना लाई, और ये तेरा तेल। जब मम्मी जाना तो मेरे को नमकीन लेकर आती, मम्मी आप नमकीन लाती मुझे, देख कितना खर्च कर दिया। ओ मम्मी बहुत खर्चा कर दिया, ओ मम्मी बहुत खर्चा, बहुत आज मम्मी ने गाइस बहुत खर्चा कर दिया भाई। सब्जी बनने की होगी तैयारी, मैंने इसमें तेल चढ़ा दिया जरा सा क्योंकि कमी तेल खा हम, है मेरे छोले, इसमें मैंने चाय पत्ती को पानी डाल दिया, ये प्याज का पेस्ट है, प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें हरा धनिया, 2 मिर्ची है, प्याज है, इसमें सारे मसाले हैं जैसे कि जीरा है, मिर्ची है, और ये है मसाला छोले मसाला, ये है छोले मसाला। और चलो तो गाइस मैं ये तैयारी कर देती हूँ, फिर मैं पापा का जल्दी से टिफिन पैक करती हूँ, पापा जाएंगे ड्यूटी तो मैं पहले पापा का टिफिन तैयार कर दूँ उसी वाले पर, और इसमें मैं छोले बना दूँगी क्योंकि पापा अलग सब्जी खाएंगे और हम छोले खाएंगे। चलो तो गाइस खा रही मम्मी, कब आर्डर कर रही हूँ आप देख लो, इधर रख प्लेट, देखिए ये सब, ये देखो होएगा तो होएगी, चीज खाएंगे तो। अब चीज खाओगे तो मेरे को कई कई बार झाड़ू लगाना पड़ा, सच में मैं कम से कम 3-4 बार झाड़ू लगा दूँ दिन में। देखो इन दादी पोते ने ड्यूटी सुबह कितनी बार लगाऊँ मैं, कम से कम 2-3 बार लगा दूँ, फिर शाम को झाड़ू, और फिर यह गंदगी हो जाए तो वो अलग। देखो बच्चे मम्मी तो कटाई करने जाना हो, साफ सफाई पर रख रखे तो देख लो जी पकड़ी गई झूठ, मम्मी साफ सफाई पे रख रख के और के साफ सफाई करेगी और करेगी काकी, मैं कोई काम आई हैं तेरे घर आई हूं हैं, देख लो जी देख लो भाई इनको, हम फेरेंगे तू करेगी है भाई, गलत बात गलत बात मम्मी, ये गलत बात है आपकी, देखो है भाई हम भी मेरे छोले बन चुके हैं एकदम ऐसे जैसे शादियों में बनते हैं, खाओगे तो खाते रह जाओगे, ऐसे छोले बनाए मैंने, देख लो कलर भी ऐसा ही आ रहा शादियों जैसा। और इधर मैं पापा के टिफिन करने की तैयारी कर रही हूँ, इसमें सब्जी है पापा की। चलो तो गाइस मेरे छोले भी बन गए, मैं पापा का टिफिन तैयार करती हूँ, फिर आपको मिलती थोड़ी देर में। पापा का खाना बन चुका है, देखो ये पापा की ये सब्जी है, ये छोले की सब्जी है, इसमें ये रोटी मैंने रख दी है, और पापा के लिए गुड़ मूँगफली, तो मैं पापा का टिफिन तैयार करके ले जाती हूँ। चावल दोनों सास बहु मजे आ रही है मम्मी, है ना, गरम गरम रजाई में बैठ के देख लो, देखो कितने टेस्टी बन रहे, खा के देख लो एक बार, है ना मम्मी, खा के देखें कैसे, पर सब हमारे घर सब भी अच्छे लगते हैं, बूरा मम्मी मीठे पर मरिए आप तो, अच्छे बन रहे हैं छोले, कैसे बनाऊँ मैं छोले, बढ़िया है बढ़िया, ओ सच्ची बताई थी थोड़ा बहुत तो कमी बताई थी ना, मैं वैसे भी खाना बढ़िया बनाऊं, सच में ही बनाऊं मैं बढ़िया, झूठ ना बोल रही अपने मुंह तो बढ़ाई ना, मैं कवारी कि बढ़िया बनाऊं ना बनाऊं, पर मैं बढ़िया बनाऊंगा ऐसे खाना, मैं शुरू से ही खाना अच्छा बनाऊं ऐसा। देखो पापा के लिए रोटी बनाई और अलग सब्जी बनाई, मम्मी को छोले चावल बनाए और आपको छोले चावल बनाए, हम खा रहे सास बहू छोले, मम्मी वे गए ड्यूटी छोड़ने काले जी, और हम छोले चावल खा रहे मजे से।
आइए खाइए। और बताइए, और बताइए कैसे बने? आज मैं खिला दूँगी सब, ऐसा कुछ ना, मैं आराम से बना सकती हूँ 20-25 आदमी को खाना। हालत खराब कर रखी है पूरे दिन, आज रोटी भी ना हूँ, और अब आए पापा छोड़ कर ड्यूटी पर, तब कह रहे चाय बना दे। चाय मैंने एक बार दोपहर को बना दी, सुबह बना दी, सुबह सुबह बना दी है, और अब आके अब कह रहे कि चाय बना फिर के। तू मर जाएगी चाय। फिर ऐसा काम करो भारे जात सब दुगड़ो काम हो गए, असैनो आदमी बैठे खाली, जिनके कुछ होता ना, बालक ना होते, ढोर ना होते, काम ना होता। हम तो यूँ कह रहे विष्णु भगवान मारे खूब काम करे, जो तो मरने को टाइम ना मिले। मतलब मैं इतना काम करूँ, इतना काम करूँ कि काम करती करती भगवान बस चल दो। अब हम तो बाहर जा रहे हैं बारिश में, काम काम होना चाहिए, पापा होना चाहिए। बारिश में पापा छोड़ गए, बहुत बड़ा है सोना आदमी है वो बेचारा, 60,000 रुपए कमा के दे रहा महीनों के, अब बेचारा हम लौटे, हम लौटेंगे भीतर, जाओ ना अपने पापा पति के साथ अंदर, तो आप पति के साथ जाओ, मेरी छतरी के नीचे आजा, वो भी तो हमको ही कमा रहा, छतरी के नीचे आजा, नीचे डंडो खड़ी खड़ी। देख लो 60,000 कमाए, 2,800 रुपया को सूट रो दूं हाथे मुंह। तू तू तो खैर तू के क्या हूं मैं, चाय बना जल्दी सी, कह दो आप 1200 सूट बनवाऊं, ये मेरे को कभी भी लत्ता न बनवा, मैं तो 3500 का लहंगा लाऊं। कह कह कहीं खुश कर दे बस जी, 3500 का स्केल्ट का सूट बनवाऊंगी, तो मैं न बनवाऊं स्केल्ट का, सुनील को को बनवाएंगे हम, जरा जोड़ का सूट, जरा जोड़ का तेरा बनवाएंगे हम। देख माँ बेटा सोच सोच का बता रहे, कहीं जयपुर का विंडो विंडो का सूट, विंडो को सूट के हो, मैं तो देखो नाश्ता खिड़की रहे मंदाकिनी को, मंदाकिनी कपड़ा हो तेरे को, जो हम लाएंगे होते मंदाकिनी, जो धाको कहो डोली वाला, अरे वो जो कपड़ा का फेमस है जो, अच्छा कहाँ के है उसे, मुझे यहीं तो पैरा जो रेडी वाले थे ही डोली वाला यार, दूर से दूर दूर से देश से तो लगता लाऊंगा को, मेरे को यहीं रेडी वाले को पहना दो, मैं तो रेडी भी पहन ही तू ये जाया कर तू रुक्षाना, तू तो आज कर रही है हे रुक्षाना जाया कर, ये ऐसी कर करके बस हंसा हंसा के पागल कर, हम तो तेरे लिए सोच रहे थे ना जाने कहां से सूट लिए, तू तो रेडी वाले पे मरी हैं, ये रुक्षाना जाएगा, ए मम्मी अम्मी जान ये देख लो इसको, पता मम्मी क्या कह रही आज मेरे से, क्या कह रही मम्मी, कह रही का कह मम्मी आज भी मेरे का, ये अम्मी जान क्या कर रही, कुछ मैंने यूं कही, जो कह रही मैंने वो काम करो काम वीर बॉडी घूम काम करने की तरह, नहीं नहीं आपने ये कही वीर बॉडी को, आपने नु कही काम करने की तरह रखी है, काम करने की तरह रखी है, ए मम्मी तू भी जाए रे, कैसी बात कर रही तूने, हैं हैं ये काम करने के लिए, हैं ये काम करने के लिए, ये रुखसाना बेगम के लिए ऐसे बोल रही है, आरती नहीं इसकी तो धूप लगाऊंगा दोनों टाइम, जब मरूंगी तभी लगे तो, कैसी बात कर रही रुखसाना, नहीं मरे तेरे दुश्मन, ए तुझे तो मेरी भी उम्र लग जाए ना मेरी, आपकी उम्र में तो गाइस हम चल दिए दुकान पे, ये चाय तो बनाएंगे नहीं, वही 5 रुपए की चाय पी लेंगे कहीं नहली से, टैली से ये तो बुलाएगी नहीं, चल एक कप वही पी लियो, जी मम्मी तू मर जाएगी तो मुझे चाय कौन पूछेगा, थक गई पूरा दिन रोज होगी, गाइस अब मेरा सारा काम हो चुका है घर का, शाम की भी साफ सफाई होगी, देखो किचन मैंने साफ कर दी बिल्कुल, बर्तन लगा दिए धो दिए मैंने, जल्दी कौन नहीं मटगा आज शाम को मेरा, अब मैं फ्री हूँ एकदम, पूजा भी हो चुकी है हमारी शाम की, देखो हमारे कान्हा जी शाम की पूजा भी हो चुकी है, खाना भी बन गया, किचन भी साफ होगी, बर्तन भी धो गए, अब आराम से मैं लेटूंगी मज़े से अपना टीवी चलाऊंगी और देखूंगी, आज कपड़े पे प्रेस न होएगी और टीवी चलाऊंगा मैं, टीवी देखती रहूँगी अपना, चलो तो गाइस मिलते थोड़ी देर में, जब रात को कॉलेज ही आएंगे तब मिलेंगे, सब साथ में बैठ के बात करेंगे, तो आज मैंने पूरे दिन का ब्लॉग बनाया।
तो गाइस मैं आ चुका हूँ घर और पिंकी देख रही है भाई बिग बॉस देख रही है पिंकी। लड़ाई होने अब मजा है ना। सबसे अच्छा क्या कौन लगा तो अब या अरे भैया वैसे मुझे बिग बॉस में कोई भी पसंद ना नहीं मो अच्छा लगा भाई। एक तो अर्चना अच्छी लगे एक मतलब इसकी एक्ट कॉमेडी करे ना ज्यादा अच्छी लगे और एक शिव अच्छा है। मुझे तो कोई भी अच्छा लगा गीता मो बिग बॉस में एक ही शो अच्छा लगा जब मनवीर गुजर आया जब। हाँ मुझे बस वो अच्छी लगी क्या नाम है उसको जब वो आई क्या नाम है कौन आई अरे एक वो नाई पंजावन। हाँ वो वाला भी अच्छा है जिसमें सिन्हास गिल सिद्धार्थ वो वाला भी एक दो ही शो अच्छे एक मनवीर गुजर वाला और एक जिसमें सना गिल सहनाज और सिद्धार्थ पर सबसे बेस्ट हो मनवीर गुजर वाला सबसे बेस्ट उस जैसा तो मैंने सो ही ना देखो मैं तो वहाँ कभी मिस भी ना कर रहा कभी मिस ना करा मैंने। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। जय बाबा की जय बाबा राम की।